नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम न्यूज क्लिक की टीम के साथ खड़े हैं गुलाब बीबी नगर में। गुलाब बीबी नगर पकौड़ा चौक पे है और यहाँ पर तमाम बॉर्डरों की तरह एक इतिहास रचा गया, बिल्कुल अलग इतिहास। यह गांव देश का पहला किसान गांव है जो किसी महिला किसान के नाम पर है। और यहाँ पर हमने देखा एक साल से अधिक समय से जिस तरह से आंदोलन चला, जिस तरह से किसानों ने और महिला किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में तीन कृषि कानूनों के साथ साथ बाकी जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ आवाज उठाई, वह ऐतिहासिक है। आज 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे पर भीमा कोरेगांव मामले में तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग यहां से उठाई जा रही है। आज जब मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून वापस ले लिए हैं, यहां से तमाम किसानों की वापसी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ऐसे में जो इतिहास रचा गया, जिस तरह से मोदी सरकार को मजबूर किया गया, यह भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा सुनहरा इतिहास है जिसकी गवाह न्यूज क्लिक की पूरी टीम बाकी और मीडिया घरानों के साथ साथ रही है। हम उनके किसान आंदोलन के हर एक क्षण को अपने साथ महसूस करते रहे हैं। हमने हर जगह से बहुत सशक्त रिपोर्टिंग की है और शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन के साथ साथ जो लोकतंत्र को बचाने की आवाज चल रही है उसका एक हिस्सा हम बन पाए हैं। बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ लैके जावे। इदू अगे साड़ी ये लड़ाई की शुरुआत है जी। जिहड़े तिने खेती कानून वापस कराए है ये नाल ही जुड़वे, इतों शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे वाली गल आ गई, केस रद्द कराने वाली गल आ गई। पूरे हिंदुस्तान पद्धर का एक बहुत व्डा थड़ा उसरिया होया है जिद आने वाले समय के बहुत सारिया मंगा है। साढ़े किसानी का घोल है जोड़ा एम एस पी वे ही पई है जे लमकती, बहुत सारिया मंगा मसले हुए जो बाद उठने हैं। पहला तो जो अज असी जा रहे हैं, मैं एक छोटिया जी दो किरत बोलूँगी। साढ़े सिदक के मूहरे होई जावरां दी हार, जाना हूल के लियांदी असी, जाना हूल के लियांदा असी जित दा त्यार। अज असी जदों सारे भारत के लताड़े हुए लोग किरती लोग एकजुट हो के आपदियां मंगा मना के जित तक गए हाँ। इहदे विच पूरी दुनिया भर के लोग जिन्हां दा बहुत बड़ा सहयोग है, विदेशां दे विच बुद्धिजीवियों का, कलमकारां दा, पत्रकारां दा, लेखकां दा, सब ने इस अंदोलन नूं जित तक लिजाण दे लई पूरी जिंद जान लाई है। इस गल की खुशी है कि असीं उह सारे लोगों ने एकजुट हो के बीजेपी की जिहड़ी फासीवादी हकूमत है, हिंदू राष्ट्रवाद का जिहड़ी नारा दिंदी है उहनूं हराया। देखो भाषा जी, जीत को तो हम बहुत बड़ी जीत मानते हैं, जश्न मनाने वाली जीत मानते हैं। इसमें हमारे 700 लोग शहीद हो गए, इसके ऊपर हमारे दुख भी है लेकिन मान भी है कि भगत सिंह को फांसी हुआ है, लेकिन उसकी शहादत वाले दिन हम आंसू नहीं बहाते, जश्न मनाते हैं, मान करते हैं उनकी। आपने कभी सोचा था कि मोदी सरकार झुकेगी? हमने जब हम गांव से चले था उदो सोच के चले सी के चुका के मुड़ना है, भला 3 साल 4 साल लग जाए, 24 बैठना पवे, मोदी सरकार को चुका के मुड़ेगा, हम तो धार के तुरे सा गांव तो। मुझे लगता है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन मांगों का आगे क्या होता है। जिस तरह से हम पूरे एक साल से सुनते आ रहे हैं इन प्रोटेस्ट स्टेज से, किसानों ने हमेशा, आगुओं ने यही कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए उन्होंने लोगों को एक साल में तैयार किया। ये जो प्रोटेस्ट स्टेज है, हम जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहाँ पे लोगों की सिखलाई हुई है, लोगों की पढ़ाई हुई है, और मुझे लगता है बहुत इस बात का यकीन है कि लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर ही वापस जा रहे हैं। और जैसा कि आज ये मानवाधिकार दिवस के ऊपर भी ये बात कही गई कि हक तभी मिलते हैं अगर उन्हें मांगा जाए और मजबूती से मांगा जाए, उन पे पहरेदारी की जाए, तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा किसान है इस बात के लिए पूरा तैयार होके यहाँ से जा रहा है और जो आगे की मांगे भी हैं उन पे दृढ़ता से लड़ेगा।
जो हमने सीखा है इस संघर्ष से किसानों के, सारी दुनिया की आंखें इनके ऊपर हैं, सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं। और अगर सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े, क्यों? क्योंकि पहले तो इनके जो हक के जो डिमांड्स हैं, इतना लंबा संघर्ष, तब जाके सरकार को जो लगा सो लगा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये कि हमें कहा जाता है हम भी संघर्ष में रहे हैं, कई संघर्ष जो बहुत लंबे चलते हैं। किसानों ने हमें दिखाया जितना लंबा चले, जितनी हिम्मत हम में है, जितना हम लड़ सकते हैं, हम जीतेंगे। यही मैसेज हमारे कैदी, जो सियासी कैदी अंदर बंद हैं, यही मैसेज हमारे पूरे मुल्क में, चाहे वो जवान हो, औरतें हो, जो भी अपनी हक की लड़ाई लड़े, ये हमें इन्होंने सिखाया है। अमोलक जी, किसान आंदोलन कल से, अब ये बॉर्डर खाली हो जाएंगे, क्या आपने पाया, क्या खोया? देखिए, बहुत कुछ पाया, और खोया तो हमने अपनी जंजीर ही खोई है, अपने मन के ऊपर जो जंजीर थी, जो हमारी चेतना के ऊपर लगा कर रखी जाती है, जो हमारे गौरव के ऊपर जंजीर लगाई जाती है, उसको ही ब्रेक किया है। हमारे पास गवाने के लिए तो जंजीर ही थी, वो जंजीर की एक कड़ी हमने ब्रेक थ्रू किया है उसको, कि उसका मतलब ये था कि लोगों को एकत्र होना, अपनी आवाज़ उठाना ब्लैक लॉज के खिलाफ। हमने पहला मोर्चा सर किया है, कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। यहीं का मतलब सिर्फ जगह का नाम नहीं होता, कि दिल्ली का बॉर्डर है या पंजाब के गांव-गांव में, घर घर में है, या हमारे खेत खलियानों में, कारपोरेट घरानों के दफ्तरों के आगे, उनके बड़े मॉल प्लाजा के आगे, और इंडस्ट्रियल वर्कर का मसला है। अभी तो हमने ये पाया है कि अगर हम ऐसे माउंटेन के साथ, इस बहुत बड़े पर्वत के साथ माथा लगाया था, अगर उसको हम सर करके आगे की दुनिया देखने के योग्य हुए हैं, तो आगे का संसार लोगों को दिखाई दिया है कि जीतने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, गंवाने के लिए तो हमारे पास जंजीर ही है। क्या लगता है कि यहाँ तो आप लोगों का मन लग गया था, फिर वापस जाने को जी नहीं करता? मोदी दी हैक दे आके बह गए, जी नहीं करता, भी हम जीत गए, हजे भी नहीं जान जी करता, बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर क्या अच्छा लगा आप? हमको हरियाणा वाले भाई बहुत अच्छा लगे, बहुत साथ दिया हमारा, हरेक परिवार ने साडा सहयोग दिता नाल आके, बहुत मन लग गया, जी नहीं करता जान नू, बहुत अच्छा। हाँ, पंजाब याद ही नहीं सीगा, असी सानू जी साल भर हो गया हाड़िया, ते असी आपदे दशहरे लोहड़ियां इत्थी मनाए ने, असी दिवाली भी इत्थी मनाए ने, तिने कोलों जे रद्द नहीं करदे सी जांदे नहीं, ते जे हुण भी छड़े सी हजे भी जांदे। ते दिल्ली छोड़ने का दुख भी है, दिल्ली दे इस अंदोलन दे विच सानू बहुत कुछ मिलिया, भाषा सिंह वर्गे पत्रकार मिले जो साडे अपने बन गए, नवशरण जी, होर किन्ने लोग है जिहड़े सानू मिले, जिन्हां ने सानू हौसला दिता, जिन्हां ने सानू लड़न दी जांच भी सिखाई, तो सानू बोलन दी हिम्मत भी दित्ती। इसके बाद जो होगा अच्छा होगा, बस इतना ही है, आप साथियों का जी नहीं लगेगा, हमारे साथ वाले बोलते हैं हमारा जी नहीं लगेगा, जी तो भाई हमारा भी नहीं लगेगा, बहुत देर तो आप लोगों की ज़्यादा हमें भी आती रहेगी, लेकिन फिर आएंगे, क्योंकि हुकूमत तो अटैक करने से हटेगी नहीं। अभी एक कानून वापसी हुई है, नीति तो अभी सरकार की बदली नहीं, इस हालत में तो अटैक और आ सकता है, हम आते रहेंगे, 15 जनवरी को आएंगे आपके शहर में फिर दोबारा, फिर मिलेंगे दिल्ली में, कोई ना कोई उस तब तक सारी सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा, अगर कोई अटैक की तैयारी होगी तो हम उसका जवाब देने भी आएंगे। किला फतेह हो गया और अब घर वापसी की तैयारी है, जिस तरह का इतिहास किसान आंदोलन ने देश की राजधानी दिल्ली, उसकी सीमाओं पर रचा, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। यह पूरा का पूरा गांव जिस तरह से बसा हुआ है, जिस सफाई से बसा, जिस तरह से यहां पे सामान जुटाया गया, एक साल से अधिक समय से किसानों ने तीनों मौसम झेले, उनकी मार झेली, और आज वे पूरे सहजता के साथ उस सामान को समेट रहे हैं, वापस घर की ओर जा रहे हैं, और देश और दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से किसान अन्नदाता जब खड़ा होता है लड़ने के लिए, तो कितनी ही बड़ी ताकत सामने क्यों ना हो, सत्ता में कोई क्यों ना हो, उसे लड़ने के सारे औजार वह जुटा लेता है और लड़ाई को तीखा बनाए रखता है। यह संदेश जो देश और दुनिया के सामने किसान आंदोलन ने रखा है,
यह निश्चित तौर पर बेमिसाल है और भारतीय लोकतंत्र को बहुत लंबे समय से जन आंदोलन से जोड़ कर गया है।